जिलाधिकारी कार्यालय में हटेटी पूर्वा पथरिया खदान के ग्रामीण लोगों ने पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, पूरा मामला जिला मुख्यालय के कलेक्टर परिसर का है, जहां पथरिया खदान के निवासियों ने जिला कलेक्टर परिसर पहुंचकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय को लिखित शिकायती पत्र देकर मांग की है। नवभारत समाचार बांदा उत्तर प्रदेश से नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चुनकिया देवी। चुनकिया देवी, कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ पथरिया खदान से। पथरिया खदान से? क्या मामले को लेकर के आई हैं, क्या समस्या है आपकी? सर, मेरे मकान रहे तो पूरे मकान जाके धोखाधड़ी से गिरा दिया गया है, मुझे कुछ नहीं सुना। कौन लोगों ने गिराया? इन लेखपाल थे दोनों, और वहाँ तो पटवारी है, तो प्रधान है, तो तहसीलदार है, तो सारे आदमी जाके हमें 2 मिनट की मोहलत नहीं दी, पूरी फौज को फौज लेके अचानक से पूरा मकान गिराया है। क्यों गिराया गया था, क्या कारण था इसका? हमारा कोई नहीं जाना रहा ना हमें कोई, मतलब क्या सरकार की जमीन में हम बना लिए तो क्या सरकार क्यों कॉलोनी देती है बसने के लिए, सब लोगों का देती ही कॉलोनी, आज सरकार क्यों सुविधा लेबर के लिए मर रही है कि लेबर का ये नहीं हो, जनता के लिए मर रही है, जनता के रहने का घोंसला गिरा दिया गया, और आज हमें ये कानून बता रहे हैं कि सरकार की जमीन है। आज अभी आप लोग यहाँ पे आए थे, धरना किए थे? हम अपना न्याय मांगने आए हैं। आप लोग न्याय मांगने आए? हाँ, हमें रहने की जगह देना चाहिए, हमारा जो नुकसान किया वो हमारी भरपूरी करें। अभी आप डीएम साहब के पास गई, उन्होंने क्या कहा? डीएम साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया हमें। जांच करवाएंगे सिर्फ, बाद में बात करवाएंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ जांच के लिए कहा। क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब ने कह रहे बाद में देखा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, बस इतना कह के रह गए। 5 दिन हो गए चिल्लाते चिल्लाते, सबके दरवाजा पे कोई सुनाई नहीं हो रही, भूखन मर रहे हैं जंगल में, हमारे लिए एक मकान नहीं छोड़ा। पूरा 5वां दिन है आज। आज 5 दिन हो गए पूरा, खुले आसमान के नीचे सोते हैं, और खुला आसमान के नीचे सोते हैं सब लोग, उसमें सोते हैं हमारे, न खाने के न पीने के न पहनवे के न ओढ़ने के, हमारे पैसा रुपया भी नहीं निकले दिया लेखपाल ने। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आगे? हम अनशन लगाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे इधर, मगर हम ऊपर तक जाएंगे, हम जाएंगे जाएंगे सगले हार जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। ये लोग कुछ हटेटी पूर्वा से कुछ लोग आए हैं सर, ये कह रहे हैं कि हमारा मकान जबरदस्ती गिरवा दिया गया, क्या है पूरा मामला? ये जो ग्राम हटेटी पूर्वा है, ये चकबंदी प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये गांव है, यहाँ पर 4 हेक्टेयर गांव सभा की जमीन है, इस पर शिकायत की जा रही थी कि इस पर अवैध कब्जा किया गया है, और इसमें ग्राम प्रधान ने और लेखपाल ने कई बार शिकायत की इस बात की, और चूंकि इस ज़मीन को हम लोगों ने नगर पालिका, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, कई शासकीय कार्यों के लिए कई शासकीय विभागों को हम लोगों ने इसको आमंत्रित किया है, उनका काम होना था, जैसे ही पता चला कि वहाँ पर सरकारी जमीन विभाग का निर्माण किया जाएगा, तो कुछ लोगों ने वहाँ पर बाउंड्री वॉल और गैर आवासीय निर्माण कर रखा था, जिसको इन लोगों के पास जो रजिस्ट्री का एक कागज दिखा रहे हैं, सबके फोटो लगी हुई, वो उसका क्या मतलब होता है, ये लोग दे रहे हैं कागज? आज दिखाया है, एक जयकरण पाल करके है, कल्लू पाल है, जिसके लोगों ने दिखाया, स्टाम्प पे खरीद फरोख्त हुई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही थी, यही मांगे गए थे, ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, किसी ने सरकारी ज़मीन को अपना बताते हुए इन लोगों को स्टाम्प पेपर पर विक्रय किया है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। क्या इनको जो इन्होंने दिखाई, जो जहाँ पे जिनकी ज़मीनें हैं, क्या उनको न्याय मिल जाएगा उसमें? किसी भूमाफिया ने गलत तरीके से सरकारी ज़मीन को अपना बताकर इन लोगों को, भोले वाले लोगों को ठगा है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ जो भूमाफिया का कार्रवाई होती है वो कराने के लिए हम लोग सख्ती करते हैं।